जैसे एक कार, एक कार हाँ, ड्राइवर चलाता है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक का अवार्ड जो है सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का है सबसे ज्यादा हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए, कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हम लोग मतलब थोड़ा बहुत अपना पाप को मिटा के स्वर्ग लोग जाने के चांसेस जो बढ़ जाए। ये वाला फोटो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा ना, मोबाइल से क्या गया भाई, देखिए इन्होंने ड्रॉ किया है। आपका नाम क्या है भाई? सर नीलकमल, फोटोग्राफर है क्या? अच्छा, ये आपने कहाँ से आए भैया? गुवाहाटी से आए हुए हैं ना। तीन दिन के लिए प्रोग्राम हो रहा है गोल्डन जुबली। फिलहाल मैं एलोकेटी कॉलेज पे पहुंच चुका हूँ। हेयर, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। हेलो हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एलोकेटी कॉलेज। एंड वेल, एलोकेटी कॉलेज में क्यों जा रहा हूँ इसके बारे में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि एलोकेटी कॉलेज में हो रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। यस, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। तो बहुत ही खास तरीके से डेकोरेशन किया गया है। तो दोस्तों कैसा कुछ डेकोरेशन है, क्या कुछ नहीं है, एवरीथिंग आप लोगों को जानने मिलेगा कि मतलब किस तरह से सजाया गया है। मैंने सुना है कि अलग अलग कास्ट का, अलग अलग चीज़ों का मतलब उसको डेकोरेशन किया है, जैसे कि नेपाली हो गया, आदिवासी हो गया, असमीज हो गया, बंगाली हो गया, अलग अलग सीन के बारे में दिखाया गया है। सो लेट्स सी आखिर वहाँ पे कैसा सीन है, क्या कुछ नहीं, मैं एवरीथिंग मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करूँगा। हम लोग डेगर जिले पहुँच गए हैं एंड अचानक ही प्लान हुआ कि आप लोगों को एलोकेटी कॉलेज का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है दिखाना चाहिए, और मेरा ये प्लान भी अचानक हो गया। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, अभी लगभग शाम का 4:30 होने वाला है और मुझे आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी जाके दिखाना होगा दोस्तों, वरना रात हो गया तो मैं आप लोगों को भाई कैमरे में कैद नहीं कर पाऊँगा भाई। और वैसे भी आजकल हम लोग का ढेकियाजुली का चर्चा जो है काफ़ी बढ़ गया है, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है हमारा ढेकियाजुली जो है। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि एलोकेटी कॉलेज में जो है फिलहाल स्टूडेंट बहुत सारा होंगे, बिकॉज शाम को जो है 4:30 हो चुका है, पार हो चुका है, तो इस वक्त जो है पूरे के पूरे जो है बंद हो चुके होंगे। यहाँ में देख सकते भाई, ऑल आर इन असमीज ड्रेस। अभी सारे के सारे स्टूडेंट शायद वापस चले गए होंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो कैमरे में जो इतना सारे लोगों को दिखाने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसमें भी दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यह है कि इतना सारा स्टूडेंट रहेगा तो भाई उनके सामने में कैमरे के आगे बोलने के लिए भी थोड़ा सा लज्जित सा महसूस होगा ना। वही बात है। वेल फाइनली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अरे यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, मुझे यहाँ से जाने दो भैया, पीछे करे पीछे करे पीछे करे, जाने दीजिए जाने दीजिए। अरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल हम लोग एलोकेटी कॉलेज जो है पहुँच गए हैं। एंड हियर यू कैन सी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ मच चुका है दोस्तों। मज़ा आएगा आज एलोकेटी कॉलेज को जो है एक्सप्लोर करके। लेट्स सी कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे भाई, कहाँ से जाना है। ये देख सकते, ये रहा एलोकेटी कॉलेज का एंट्रेंस गेट गाइस, यू कैन सी हेयर, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। एंड दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई हैव स्टडीड, ये मेरा मैं भी यही कॉलेज पे पढ़ा था गाइस। एंड ये लगा बोर्डो का ट्रेडिशनल ड्रेस दोस्तों, देख सकते हैं। एंड अभी शाम होने को है, अभी यहाँ पे जो है
भीड़ जो है जमा हो चुका है दोस्तों, मज़ा आने वाला है। अभी फिलहाल जो है आके बहुत ही अच्छा लगा। हेयर यू कैन सी आदरोनी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, एंड अंदर में जाएंगे तो और भी ज़्यादा बहुत ही मज़ा आ गया। कौन है भाई, मेरे को बुलाया था क्या, किसी और को बुलाया? लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं। गाइस लेट्स एक्सप्लोर, आई एम वेरी एक्साइटिंग। यही रहा कॉलेज, एलोकेटी कॉलेज दोस्तों, यही कॉलेज, इसी कॉलेज में मैं भी पढ़ा था। एंड लेट्स एक्सप्लोर अंदर क्या है, क्या कुछ नहीं है, सारा सीन दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहूँगा। दोस्तों लेट्स टेक द एंट्रेंस फ्रॉम हेयर। ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगता हुआ दोस्तों। अब बाइक को यहाँ में जो है पार्किंग कर लेते, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ में टूर दिखा दूँगा कि आखिर यहाँ में टूर कैसा है। एंड यू कैन सी हेयर अहेड दोस्तों, देख सकते आगे ये क्या है, डाइनिंग हॉल। लेट्स, आगे डाइनिंग हॉल है और जुबिन आने वाला है भाई। जुबिन को प्रेजेंट है, फेमस सिंगर ऑफ असम। आगे आपको सीन दिखा दूंगा भाई, कैसा है सीन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल। और यहाँ से अंदर में एंट्रेंस लेने वाला नहीं हो। अब यहाँ से करते हैं बाइक को यू टर्न। गाइस देखो ये है डाइनिंग हॉल, अब यहाँ से ले लेता है यू टर्न। यू टर्न लेने के बाद मैं आप लोगों को एलोकेटिक कॉलेज के दूसरे छोर आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को आगे का सीन दिखाऊंगा, पहले तो मैं आपको बाइक में ही दिखा रहा हूँ भाई। पहले हम यहाँ में जब पढ़े थे ना, बवाल मचा के रखे थे इस कॉलेज में, शेर थे हम लोग शेर। अरे भाई ये रहा ऑडिटोरियम, यहाँ पे हम लोग डांस किए थे, बहुत बवाल डांस करते थे। और आज का सीन भी बहुत ही भयानक लग रहा है भाई। ये ट्रक देख सकते हैं कि नहीं, ट्रक में पूरा डेकोरेशन चल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बाइक को आगे पार्किंग में लगा लेते हैं। पार्किंग में लगाने के बाद एंड आगे का क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, एवरीथिंग मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। बाइक ही भाई, भाई बाइक ही बाइक, बाइक ही बाइक, चारों तरफ बाइक लगा हुआ है। सो सबसे पहले ऐसे जगह पे पार्किंग करते ताकि मेरे को दोबारा बाइक जो है निकालने में परेशानी ना हो। अरे भाई साहब कहाँ पे पार्किंग करूँ भाई, मैं ऐसे जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे आसानी से मैं बाद में बाइक को निकाल पाऊँ। सो दोस्तों मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एलोकेटी कॉलेज पे पहुँच चुका हूँ। एंड यहाँ पे आगे जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बिकॉज़ इतना साउंड आ रहा है कि मेरा साउंड जो है आपके सामने, वो साउंड जो है क्लियर नहीं सुन पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है साउंड के वजह से। बाय द वे मैं जो भी होगा आगे का सीन मैं आपको सब दिखाऊँगा दोस्तों। So much it almost hurt. I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. Ye hamara Elocuti College se Lukoni Ome Kumar Da College, to ek se hum 3 din ke liye program ho raha hai Golden Jubilee. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट पहले दिन था, रैली का दिन था, तो हम लोग का जो बंगाली है, हम लोग बंगाली है, तो बंगाली मतलब रैली था, दुर्गा पूजा जो होता है ना हमारा, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के लिए हमको, हम लोग रैली में गया था, तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय हुआ है हम लोग का। तो मतलब दो तीन दिन पहले दिन गया है और दो दिन बाकी है, तो कल सुबह से शाम तक प्रोग्राम होगा, फंक्शन डांस होगा, लोकल डांस मतलब ग्रुप डांस सब लोग होने वाला है। और अगले जो तीन दिन है, तीन दिन, दो दिन के बाद तीन दिन है जुबिन, हमारा असम का जो फेमस सिंगर होता है ना जुबिन गार्ग, तो जुबिन दा आने वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जो बोलते कैसे इंजॉय बने हो, इंजॉय होने वाला है। सो थैंक यू। हम लोग का उत्तोलन, फ्लैट उत्तोलन हो रहा है यहाँ पे, ये जो जगह है ना फ्लैट उत्तोलन करने के लिए जगह है, स्पोर्ट खेलने के लिए मैदान है, ये फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, ये फ्लैट उत्तोलन करने के लिए बना है यहाँ पे ना, फ्लैग होस्टिंग होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है।
लेट्स सी आगे का थोड़ा यहाँ सीन देख लेते हैं। मेला है तो दोस्तों आगे जो हम आप लोगों को लाइब्रेरी के वहाँ ले जा रहे हैं, और ये लाइब्रेरी में सब किताब, सब प्रकार के किताब जो है रखा गया है। यहाँ पे जितना भी किताब मिलेगा, एंड लेट्स सी मैं थोड़ा लाइब्रेरी का जो है टूर करा के दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ के लाइब्रेरी जो है एलोकेटेड कॉलेज में कितना जबरदस्त बनाया गया है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेट्स एक्सप्लोर द लाइब्रेरी। आप कहाँ से आए भैया? गुवाहाटी से आए हुए हैं ना, और आप यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरी खोल के रखे हैं ना? आप चिल्ड्रन बुक्स है, हिंदी बुक्स है हमारा, अच्छा SMS बुक्स भी है। SMS बच्चे के लिए, खासकर बच्चे के लिए ज्यादा है ना, चिल्ड्रन कलेक्शन ज्यादा है। So, दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ में जितना भी किताब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सारा का सारा मतलब किड्स का बुक है, और नॉट ओनली किड्स का, और यहाँ पे आपका मोटिवेशनल बुक भी है, एंड यहाँ पे भी है ना, हाउ आई रेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम द फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। तो देख सकते हैं ये एक मोटिवेशनल किताब है कि अपने आप को सक्सेस की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। यहाँ से मैं एक किताब जो है खरीदना शायद चाहता हूँ। जितना लीडरशिप है ना, हाँ। देश में जितना लीडरशिप था ना, हमारे हाँ। देश के लिए रक्षा करने के लिए जो लीडरशिप था ना, उसका फोटो है हमारा, देख लीजिए सब लीडर का फोटो है। तो दोस्तों हमारे देश के जितने भी लीडरशिप है, सारे लीडरशिप का आर्ट, पूरा आर्ट है ना, आर्ट पेंटिंग किया गया, आर्ट पेंटिंग यह में फेमस राइटर ने, और राइटर बोले जो आर्ट करते हैं उन्होंने ये में आर्ट किया गया है। आर्ट के नीचे नाम भी है, जो नाम किया है उसका नाम भी है नीचे। चलो यहाँ पे सुजय देव ने किया है, सुजय देव ने किया है यार, जितना लीडरशिप है हम लोग का देश में। यहाँ से एक पिक ऐसे, ये किसने किया पढ़ के निकल, ये बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया। इसका नाम नहीं है, अरे नाम नहीं है, अशोक सिंह, शॉर्ट सिग्नेचर साइन किया, बहुत ही बढ़िया पिक है भाई। अच्छा ये देखिए पिक्चर देखिए, अच्छा पिक किया है, कितना बहुत बढ़िया सा किया हुआ है ना। और ये टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, एंड हियर इज आवर APJ अब्दुल कलाम, एंड व्हाट दिस पिक्चर डिपिक्ट, सेफ अर्थ, सेफ अर्थ। तो एक तरफ सेफ अर्थ, देखो पृथ्वी का हालत जो एकदम खत्म हो चुका है, खत्म इसलिए हो चुका है क्योंकि इसमें ग्रीनरी नहीं है ना, प्लांटेशन एकदम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रीनरी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे ग्रीनरी होगा ना, प्लांटेशन जहाँ पे होगा वहाँ हमारा धरती जो है सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ओके ये हमें करना चाहते हैं, और ये बहुत बढ़िया आर्ट किया गया है ना, कौशिक गोस्वामी ने किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए ये तीन पिक्चर बहुत ही बढ़िया से क्लिक किया हुआ है ना, ड्रॉ किया या क्लिक किया है, क्लिक किया आपने, सो देख सकते हैं दिस इज दैट मैन जिन्होंने ये एकदम बढ़िया सा पिक क्लिक किया। आप फोटोग्राफर है क्या? अच्छा ये आपने फोटो कहाँ कहाँ पे क्लिक किया था, ये कहाँ पे क्लिक किया? ये गाभोरी रिवर में, गाभोरी रिवर, ये वाला, ये मेरे घर के पीछे, आपके घर के पीछे ना, घर के पीछे, और ये सिंगरी ब्रह्मपुत्र रिवर ने। दोस्तों इस पिक्चर को जितना देखो उतना मन, आप मतलब कैमरे में उतना फील नहीं कर, रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई कैमरे में, आप शायद फील नहीं कर पा रहे होंगे गाइस, आप देख सकते, लुक एट दिस पिक्चर गाइस, जितना देखो मन नहीं भरता है भाई, बहुत ही, एंड यू से एंगल बहुत ही बढ़िया एंगल, एंड यहाँ पे जो सनसेट का है ना, यहाँ में सनसेट हो रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग में आपने क्लिक किया है ना भैया, कटिंग करना पड़ता है ना ऐसा पिक्चर लेने के लिए, वेट करना पड़ता है, परफेक्ट टाइमिंग का ना, कभी मौसम अच्छा नहीं रहता है। और ये जो दादी सर पे लेके जा रही है, ये बहुत हैवी होता है, तो ये एक सेकंड में नहीं रुक सकती है, अच्छा तो इसको रनिंग में क्लिक करना, रनिंग मतलब उसको कहा नहीं गया कि आपका फोटो क्लिक किया जा रहा है, कहा था कि एक सेकंड रुक जाइए, फिर उन्होंने इग्नोर करके चले गए थे, फिर हमको पता चला ये इतना हैवी है, एक बार अगर रुक गया तो उसको नीचे उतारना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, अच्छा इतना वेट है उनके बॉडी से, बहुत ज्यादा वेट है उसका, तो ये रुक नहीं सकते, तभी हमको खराब लगा था कि हमने बोला था एक सेकंड के लिए रुकिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर करके चले गए थे, लेकिन बाद में हमको पता चला इसका वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच आप मेरे साथ बात करने, हेलो भाई ये आपने ड्रॉ किया है क्या, ये वाला ये तीनों आपने ड्रॉ किया है, मैं इसे थोड़ी देर बाद मैं इसी पिक्चर के बारे में बोल रहा था ना, ये किसने ड्रॉ किया भाई, बहुत लाजवाब, ये वाला पिक्चर बहुत ही ज्यादा मेरे को मतलब
ऐसा नहीं कि ये भी अच्छा है, मतलब ये वाला पिक्चर मेरा रोंगटे खड़े कर देता है भाई। मीन्स आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई। थोड़ा सा इस पिक्चर को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं गाइस यही वो पिक्चर है, देखिए इन्होंने ड्रॉ किया है। आपका नाम क्या है भाई साहब? नीलकमल नाथ। तो नीलकमल नाथ ने ये ड्रॉ किया है एंड बहुत फेबुलस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब नेक्स्ट लेवल का। और ये भी पिक्चर है, ये भी आपने ड्राइंग किया है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकमल नाथ। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया मोबाइल से क्लिक किया, ऐसा नहीं लगता कि मोबाइल से क्लिक किया है। इन दोनों पिक्चर में अगर चूज करना पड़े तो मुझे ये वाला पिक्चर ज़्यादा पसंद आया। दिस गौरव विश्वास, आपका नाम गौरव विश्वास है ना? कौन से टाइम पर क्लिक किया था आपने ये? सुबह 5 बजे का है। सुबह 5 बजे का, और ऐसे पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा वेटिंग करना पड़ता है ना? करना पड़ता है। और आपने मोबाइल से किया है? मोबाइल से किया। आपका भी शॉकिंग फोटोग्राफी भी है? फोटोग्राफी में उतना नहीं करता लेकिन कभी कभी करता, कभी करता। लेकिन ये वाला फोटो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा ना, मोबाइल से किया गया भाई। देखिए मोबाइल से ये पिक्चर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको क्लिक किया गया एंड मुझे बहुत पसंद लगा एंड थैंक यू सो मच। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दे सकते हैं? इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी किया है। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरव्यू ले लीजिए। आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं आपका आपका नाम पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम है चंदन ज्योति शर्मा। चंदन ज्योति शर्मा, ओके। एंड ये सर्टिफिकेट क्या डिपिक्ट कर रहा है? सामने से दिखाइए, सामने से दिखा सकते हैं ना? तो ये स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। इन्होंने जुबिन गर्ग, आसाम का फेमस सिंगर जुबिन गर्ग को अपने नेल पे ना नेल पे ड्राइंग कर दिया था, तो उसके लिए इनको स्टेट लेवल का अवार्ड मिला है। और वो वाला अवार्ड दिखा सकते हैं? ये नेशनल लेवल का है, ये नेशनल लेवल का है। तो आसाम, हाँ, तो हमारे आसाम के बहुत बड़े सिंगर डॉक्टर भूपेन हाजुरिका का आपने लाइव आर्ट किया, पोर्ट्रेट बनाया, तो नेशनल लेवल में आपको सर्टिफिकेट भी मिला है। तो देख सकते हैं कि आपका नाम चंदन ज्योति शर्मा। तो आप लाइव आर्ट भी करते हैं ना? लाइव, तो कितने बड़े चंदन ज्योति शर्मा बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, इतने बड़े आर्टिस्ट है कि उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक का अवार्ड जो है, सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे मिला गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने अभी अभी सर्टिफिकेट दिखाया, और आपको यहाँ पे लाइव स्केच भी आपका बना दिया जाएगा। सिंगल पर्सन के लिए 200 और डबल के लिए 400। आपको कितना टाइम लगेगा मतलब लाइव? 20 मिनट तक हो जाएगा। मुझे अगर ऐसे एप्पल का फोटो बनाने दिए तो मैं 1 घंटा लगा दूंगा भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंसान मतलब कैसे भी पोज में आप बैठे ना, कैसे भी पोज में बैठे लाइव आर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनका पिक्चर दिखाऊंगा। सो ये रहा, आपने ये सब आर्ट किया गया है ना, तो ये देख सकते हैं ये सारा का सारा इन्होंने अच्छा ये नेल पर आर्ट किया था ना ये। तो कितना देखो स्पेस ही नहीं रहता है नेल पे, फिर भी आपने नेल पे आर्ट कर दिया है। सो आपके टैलेंट के लिए मैं आपको हैट्स ऑफ बोलना चाहता हूँ। और आपका ये यूट्यूब चैनल भी है क्या? हाँ। तो मैं जरूर गाइस आप मेरे आप अगर इनके आर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जरूर इनके यूट्यूब चैनल में जाइए चंदन ज्योति आर्ट, एंड इंस्टाग्राम चंदन शर्मा 5466, एंड फेसबुक में चंदन ज्योति शर्मा। एंड ये देख सकते इनका प्रोफेशनल लाइव स्केच का एक बैनर है, एंड ये सब सारा आर्ट यहाँ में जो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे आपने ये किया है ना, आर्ट किया है। सो माय बेस्ट विशेस फॉर यू, आप थोड़ा सा नेशनल से और इंटरनेशनल में भी जाइए और आपका भविष्य उज्जवल रहे, मैं आपको कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बात करने के लिए और समय दिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या रखा है? आसामी जलपान ना, सारा का सारा मतलब पिकल है घर में बनाया, ये सब घर में बनाया है। लगभग 50 से ज़्यादा होगा ना, 50 से ज़्यादा वेराइटीज़ का यहाँ पे अचार है दोस्तों, और ये सारा का सारा घर पे हाथों से बनाया गया है। एंड ये क्या है, आधा 20 और बहुत अलग अलग किस्म के सामान रखे हुए हैं ना, ये भी अचार है ना। और ये क्या है, त्रिफला, ये गैस के लिए अच्छा होता है ना, कुछ ऐसे
ऑर्गेनिक किंग चिली। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। आप हिंदी में बोल दीजिए, चैनल को हिंदी में। ये वाला तो एलोकेटी कॉलेज का है ना। आप लोग ने ये सारा कलेक्शन करके रखा है ना, कहाँ आप लोग का स्टोर कहाँ पे है इसका? अच्छा, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आप लोग से बात करके। पहले यहाँ से जो साउंड आ रहा है ना, उसके वजह से मतलब अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। ऑर्गेनाइज किया और हम लोग का कॉलेज का प्रेजेंट स्टूडेंट प्लस हम लोग का जितना भी मतलब एक्स स्टूडेंट है, सबका जो यहाँ पर क्रिएटिविटी है, आर्ट है, जो सबका हुनर है, वो हम लोग यहाँ पर सबको दिखा रहे हैं। और बाहर के कोई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट्स एक्स और रनिंग जो है वो लोग ही सीख यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रह्मा कुमारी गेटवे टू हेवन एग्जीबिशन, मतलब स्वर्ग में कैसा जाने का रास्ता है ना, द्वार है कि नहीं, ये सभी आप लोग प्रचार करते हैं ना। एक्चुअली हम लोग विश्व में शांति स्थापन करने के लिए और स्वर्ग में कैसे अच्छे कर्म करके हम लोग स्वर्ग में जा सके वैसे ज्ञान देते हैं। अच्छा, आपको मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा कि हम अभी के समय में मतलब सबसे ज्यादा हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए, कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हम लोग मतलब थोड़ा बहुत अपना पाप को मिटा के स्वर्ग लोग जाने का चांसेस जो बढ़ जाए, ऐसे हम कौन से काम कर सकते हैं? एक तो बात है, लोग अपने को भूल चुका है, मेरे अंदर जो आत्मा है उस आत्मिक जागृति को लाना चाहिए। अच्छा, जब तक आत्मिक जागृति नहीं लाएंगे तब तक अपने आप को शरीर समझेंगे और शरीर समझने में हिंदू मुस्लिम आ जाता है, वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं आत्मा समझूंगा तो सारा दुनिया मेरा एक परिवार है और मैं भगवान गॉड का संतान हूँ, ऐसे जब भावना होगा तभी आदमी का पाप कमेगा और खुद को बुराई के रास्ते छोड़ के अच्छाई के रास्ते में जा सकता है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये पिक्चर थोड़ा समझा सकते हैं, ये पिक्चर को थोड़ा समझा दीजिए। मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति चैतन्य हूँ, आत्मा। आत्मा में मन बुद्धि स्वस्थ रहता है। अच्छा, आत्मा होने से शरीर है, आत्मा नहीं होने से शरीर का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य नहीं, आत्मा का भी रहता है। जैसे एक कार, एक कार ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर चलाते हैं, ओके। ऐसे हम लोग का शरीर भी एक कार है, कार है, आत्मा ड्राइवर है, आत्मा ड्राइवर है, ओके। शरीर को चला रहा है, शरीर को चला रहा है। ड्राइवर का खाद्य अलग होता है, हाँ अलग होता है बिल्कुल, और गाड़ी का खाद्य अलग है। बिल्कुल, एकदम बढ़िया बात, बढ़िया बात। उसी तरह हमारा शरीर एक कार है, आत्मा को ड्राइवर है, आत्मा ड्राइवर है। शरीर का खाना हम दूसरा अलग अलग खिलाते हैं, खिलाते हैं। आत्मा का खाना, खाना क्या खिलाते हैं हम लोग? नहीं खिलाते। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग लेना है डेली रोज एक घंटा। मुझे एक क्या बोले, मैंने उच्चारण भी नहीं करा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। एक छोटा सा स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बता दीजिए। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ विश्व में, इसीलिए आज दुनिया भर में इतना झगड़ा, इतना मारामारी, भ्रष्टाचार, इतना निर्यातन हो रहा है, सिर्फ आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने से। इसीलिए एक घंटा रोज आत्मा का खाना लेना है। आत्मा का खाद्य क्या है? ज्ञान, पवित्रता, पवित्र सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, यह है आध्यात्मिक ज्ञान। धन्यवाद, नमस्ते।